नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान में आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे प्रश्न। प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का अर्थ क्या है, या चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर में लिखिएगा आप यह भारत के उत्तराखंड राज्य, तब ये उत्तर प्रदेश का भाग था। तो भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमेली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन को दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि वहां का महिला बच्चे बुजुर्ग सभी पेड़ से चिपक चिपक कर पेड़ को बचा रहे थे। तो अच्छे से इस प्रश्न को आप उतार लीजिए कॉपी में, क्योंकि यह 2 नंबर से पूछे जाएंगे। धन्यवाद। कि औद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं, औद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर में लिखिएगा औद्योगीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रमिक यानी श्रम मतलब मजदूर होता है, श्रमिक के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। इसमें उत्पादन वितरित पैमाने पर यानी कि ज्यादा पैमाने पर होता है और जिसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। नए नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर औद्योगिकरण निर्भर करता है। इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीन के अलावा पूंजी निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि जहां पहले मजदूर काम क्या करते थे, श्रमिक काम क्या करते थे, वहां मशीन लगाया गया और मशीन से ज्यादा उत्पादन हुआ और बड़े बड़े बाजार की जरूरत पड़ा और गरीब जो मजदूर था उसे काम से हटाया गया। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, या औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो उत्तर में लिखिएगा औद्योगिकरण ने नई फैक्ट्री प्रणाली का को जन्म दिया, जिससे गृह उद्योग के मालिक अब मजदूर बन गए, जिनकी आजीविका बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त वेतन पर निर्भर करता था। औरतों और बच्चों से भी अब 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे। उनके पास दैनिक उपभोग के पदार्थ को खरीदने के लिए धन नहीं रहा, अतः मजदूर ने आंदोलन का स्वरूप ले लिया। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, उत्तर हम सभी को अपने जीवन में कभी ना कभी अपने देश के प्रति ईमानदार होना पड़ता है। अपने देश के प्रति वफादारी को आम तौर पर राष्ट्रीयता की भावना के रूप में समझा जाता है। राष्ट्रवादी व्यक्ति वही है जो अपने देश से प्यार करता है। समाजवाद से आप क्या समझते हैं, समाजवाद से क्या समझते हैं, उत्तर भारतीय समाजवादी विचारधारा के अनुसार निस्वार्थ सेवा, त्याग और आध्यात्मिक प्रवृत्ति, इनमें शोषक और शोषित के लिए कोई स्थान नहीं। यदि किसी के पास कोई संपत्ति है तो वह समाज की धरोहर मात्र है। देखा जाए तो इसके अनुसार सभी लोग एक समान स्थिति में होना चाहिए, सबके लिए समानता। प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कैसे हुआ, तो उत्तर में लिखिएगा बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे थे। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर क्या है, तो उत्तल लेंस
एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है, निम्नलिखित यानी कि नीचे ऑप्शन वाइज दिया जाएगा। तो एक तरफ लिख लिए हैं उत्तल लेंस और एक तरफ लिख लिए हैं अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में आप लिखिएगा, तो उत्तल लेंस में लिखिएगा एक नंबर दे करके इसकी क्षमता धनात्मक होती है, फिर दूसरा नंबर दे करके लिखिएगा इसके द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, फिर तीसरा नंबर लिखिएगा इसके द्वारा सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब जो है कि अवतल लेंस में लिखिएगा, अवतल लेंस में क्या लिखिएगा, देखिए एक नंबर दे करके इसमें लिखना है, अवतल लेंस में एक नंबर दे करके लिखना है इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, और दूसरा नंबर में दे करके लिखना है इसके द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तीसरा नंबर दे करके लिखना है इसके द्वारा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है।